बढ़िया हो जी, ठीक हो। आज हमारे कैसे क्रांतिकारी जो हैं, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, सभी को पता होगा, और सभी लोग उनको एकदम युवा थे वो, जैसे कि हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत योगदान रहा। चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे, ये शब्द उनके हमेशा एक युवा जो है उनमें जोश दिलाता रहता है, जोश उसमें आता रहता है युवा में कि हाँ हमारे जो देश में ऐसे भी महान नायक हुए हैं, और कोटि कोटि उनको सभी नमन करते हैं। मैं भी उनको हाथ जोड़ करके, सर झुका करके नमन करती हूँ। ऐसे महान योद्धा हमारे देश में रहे हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके बलिदान दिवस पर सभी को कोटि कोटि नमन। आप सब भी उनको नमन कीजिए, और पूरे देशवासियों की तरफ से मैं उनको नमन करती हूँ। और ऐसे लोग हमारे देश में बड़े कम होते हैं, आप सभी को पता ही है। और एक आज खास बात है, काफ़ी समय से मैं हरियाणा से थोड़ा सा दूर हूँ, क्योंकि यूपी में चुनाव था, आप सभी को पता ही है, और सभी लोग समझ रहे होंगे। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी काली करतूत पता लगती रहे। मैं हरियाणा में जो है, एक हमारे अजय भाई थे, अजय करके, और वो बिंदास चैनल को चलाते थे, तो उन्होंने खूब ज़्यादा सपोर्ट किया किसानों को, खूब ज़्यादा जितना उनसे हुआ अपने चैनल से उन्होंने दिखाई किसानों की हालत, कि बॉर्डर पे क्या हालत है, ये लोग क्या बखान कर रहे हैं, उल्टा सीधा दिखा। तो उन्होंने एक अपना वो फ़र्ज निभाया जो एक पत्रकार को निभाना चाहिए, उन्होंने पूरा वो फ़र्ज निभाया। तो वो नौकरी करते थे अजय भाई, साथ साथ में वो टीचर भी थे। उनको उनका पूरा नाम अजय लोहान है, उनको शिक्षक गौरव अवार्ड भी मिला हुआ है, और सबसे कम उम्र में बेस्ट मोटिवेशन अवार्ड भी भाई को मिला हुआ है। मैं बखूबी उनको जानती हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे पारिवारिक उनसे भाई से रिश्ते हैं। और ये जो नवोदय क्रांति नेशनल अवार्ड भी उनको मिला हुआ है, और वंचित बच्चों को वो शिक्षा भी दिलाते हैं, बहुत सारे बच्चों को वो ऐसा भी पढ़ाते हैं जो फीस भी नहीं भर सकते हैं, सभी को पता है। तो उन्होंने ये किसानों के लिए इतना सपोर्ट करा, इतनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करी। तो अभी इनका दो दिन पहले भाई को ड्यूटी से निकाल दिया, वो सरकारी टीचर थे और स्कूल में पढ़ाते थे वो, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश के वो टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में करते थे वो नौकरी, सीनियर सेकेंडरी में, नारनौंद में। तो उन्होंने अपना काम बखूबी ईमानदारी से किया, तो उनको ये वाला गिफ्ट मिला, ये सिला उनको मिला। लेकिन अजय भाई के साथ बहुत सारे लोग हैं, ये उनका चैनल भी है, इस पर उन्होंने सभी किसानों की ये वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, ये सब उन्होंने अपने चैनल पे दिखाया, ये बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ वगैरह हुए। ये उनका चैनल, बिंदास चैनल वाला। दुष्यंत चौटाला जब आए थे तो लोगों ने उनकी बहुत फजीहत भांडी थी, तो उस फजीहत को भी पूरा अच्छे से, मतलब ईमानदारी से इन्होंने सच्चाई को दिखाया था। ये उनका चैनल है, और ये उनकी पूरी वो चीज़ें बैक आ रहा है इसमें। एक बार मैं आपको कैमरा बैक करके ही दिखाती हूँ, ये देखिए, एक मिनट, ये इन्होंने जो है अपने चैनल से दिखाया हुआ है, ये उनकी उपलब्धियां हैं अजय भाई की। और ये देखिए, ये उन्होंने मेहनत करके दिखाया, पूरा जो सच था उन्होंने वो दिखाया, तो इसी चीज़ का उनको नुकसान भुगतना पड़ा। ये उनके जो अवार्ड वगैरह, ये सब कुछ बहुत ही गलत बात है ये, लेकिन लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, सभी को पता। तो इसी चीज़ का हमें उनके लिए आवाज़ उठानी है। ये देखिए, वो बच्चों को पढ़ाते भी है, टीचर हैं वो, और गरीब बच्चों को उनको भी पढ़ाते हैं, जहाँ पे वो नहीं पढ़ाने जाते वहाँ पे भी वो पढ़ाते हैं, जहाँ पे उनकी ड्यूटी भी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी खुद भी चुनते हैं। ये देखिए, ये उनको है ना ड्यूटी से निकाल दिया गया इसीलिए कि इन्होंने किसानों की मदद क्यों की। ये देखिए, ये अजय भाई हैं, ये उनका चैनल है अजय भाई का, और बखूबी इन्होंने अपना काम किया। ये देखिए, आपके कार्यकाल के अधीन विद्यालय में कार्यरत उक्त बिंदास चैनल में सरकार विरोधी गतिविधियों में पाया गया। ये देखिए आप, ये ध्यान से पढ़ने की चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है अजय लोहान टीजीटी इंग्लिश की स्थिति स्पष्ट करने के बारे में, उपरोक्त विषय के संदर्भ में अजय लोहान टीजीटी इंग्लिश के पद पर आपके कार्यालय के अधीन विद्यालय में कार्यरत है, उक्त कर्मचारी बिंदास हरियाणा में सरकार विरोधी गतिविधियों में पाया गया, अतः निदेशालय ने से दूरभाष से प्राप्त के आदेश के तहत उक्त कर्मचारी के बारे में विद्यालय मुखिया से स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेशित किया है कि उक्त कर्मचारी सरकार विरोधी गतिविधियों में किस स्तर तक सम्मिलित था, इसकी रिपोर्ट बनाकर इस कार्यालय भेजो, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। ये उनके लिए नोटिस भी आया,
और ये ऐसा अभी एक अजय भाई है, ये सिर्फ एक अजय की बात है, ऐसे पता नहीं कितने अजय भाई होंगे जिनके साथ हो रहा है ये सब चीज़ें, जो सच दिखा रहे हैं वो उनको इसी तरीके से ये डराएंगे धमकाएंगे। लेकिन मैं हिम्मत की दाद देती हूँ अजय भैया आपकी कि आप डरे नहीं है, कोई बात नहीं, नौकरियाँ बहुत आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देश का सेवा करने का मौका किसी किसी को नसीब होता है, हर किसी के बस की भी बात नहीं है ये। दूसरी बात, जो आपने किया है वो बहुत कम लोगों ने किया है, सभी को पता है। आपने बरकरार रखा पत्रकारिता को, आपने निष्पक्ष पत्रकारिता की, आपने देश के उस अन्नदाता के सम्मान में चार चांद लगाए। चैनल किस नाम से? बिंदास हरियाणा के नाम से है भाई जी। आपने देश के सम्मान में चार चांद लगाए, सभी आपको धन्यवाद देते हैं। और किसान आंदोलन में जो है हमारी भी हिस्सेदारी रही, हम भी आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतने अच्छे से किसान आंदोलन को दिखाया, निष्पक्ष दिखाया। और आप डरिएगा नहीं, हरियाणा यूपी पंजाब राजस्थान देश का पूरा किसान आपके साथ है और मैं आपके साथ भी हूँ। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने के लिए भी आ रही हूँ, तकरीबन 13 तारीख को मैं आपसे मिलने भी आऊँगी। अजय भैया गुड लक, और सब परिवार में सभी को अच्छे से बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनों का भी, लेकिन इनके इन सिस्टमों से डरिएगा नहीं। और जैसे आप मजबूती से काम करते हो, आपका ये काम भी बहुत अच्छा है, ये काम तो बहुत कम लोगों ने ईमानदारी से किया। सबको पता लग गया पत्रकारिता का स्तर इन्होंने कहाँ गिरा दिया, आप जैसे लोगों ने बचा रखा पत्रकारिता को। तो आप जो एक शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, वो भी देते रहना, जरूरी नहीं है वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, शिक्षा तो शिक्षा है, ज्ञान तो ज्ञान है, आप देते रहिएगा। और हो सके तो थोड़ा सा इन्हें भी ट्यूशन दे दिए, अभी थारसू ले जाएंगे जिन्होंने ये नोटिस थारा बनाया। बाकी ध्यान रखना अपना भी और अपनों का भी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।